आज की पॉजिटिव स्टोरी है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 25 किलोमीटर दूर नारायणपुर गांव में रहने वाले तीन भाइयों की, जिन्होंने तमाम तानों के बावजूद अपने मजबूत इरादों से सफलता की इबारत लिखी है। रोहित आनंद पाठक, मोहित आनंद पाठक और श्वेतांक पाठक ने 1.5 लाख रुपए की लागत से मोतियों की खेती और मधुमक्खी पालन का बिजनेस शुरू किया है। इस बिजनेस के चलते आज एक और जहां उनकी कमाई में 3 से 4 गुना तक का इजाफा हुआ है, वहीं ये तीनों भाई आसपास के जिलों के बाकी किसानों को भी ट्रेनिंग देकर इस नए किस्म के रोजगार से उन्हें जोड़ रहे हैं। ये फाइनल अब इनको डिजाइनर फल है, ये तो 12 महीने तक कम से कम इनको रखना होगा। श्वेतांक ने BHU से MA और BED किया, लेकिन उनका इंटरेस्ट मोतियों का बिजनेस करने का था। इंटरनेट पर इसके बारे में जानकारी जुटाई और भुवनेश्वर जाकर मोतियों की खेती की ट्रेनिंग ली। उसे था कि कुछ करा जाए, तो मोती की खेती का भी विचार मन में आया। तो नवंबर 2018 से फिर हम लोग इसमें लग गए। इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर सीफा, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, वहां से मैंने ट्रेनिंग करी और अपने काम को शुरू कर दिया। और आज हम मोती की खेती कर रहे हैं और आपके सामने ये देखिए जाली में पैक है। श्वेतांक के बड़े भाई रोहित आनंद पाठक ने भी BHU से ग्रेजुएशन किया और फिर नामी संस्थान से MBA करने के बाद देश की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगे। लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम करते हुए ख्याल आया कि घर बैठकर घंटों नौकरी करने से अच्छा है कि दोनों भाइयों के साथ मिलकर क्यों ना मोती की खेती और मधुमक्खी पालन किया जाए। बड़े सपने का एक बहुत सुंदर पड़ाव मेरी ये नौकरी भी रही, जिसमें मैंने 10 खूबसूरत वर्ष भी दिए और बहुत सारी चीजें सीखी भी। पर अब ऐसा लगा कि अब सही समय है जब अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तन्मयता से कूद पड़े इसमें। और ऑफ कोर्स जो हमने सीखा अपने नौकरी काल में वो बहुत मदद करेगा हमें आगे बढ़ते। रोहित के छोटे भाई मोहित ने भी BHU से ग्रेजुएशन किया, फिर दिल्ली में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगे। एक दिन बड़े भाई से बातचीत करके मधुमक्खी पालन की योजना बनाई। इसके बाद अक्टूबर 2019 में मोहित ने नौकरी छोड़कर गांधी दर्शन से मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ली और कुछ दिनों बाद गांव लौटकर भाई श्वेतांक के साथ मिलकर काम करने लगे। अगर आप कुछ नया कर रहे हैं, जैसे लोगों की ड्रीम जॉब होती है कि मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करूं, AC में रहूं, कार से आऊं, तो सब मेरे साथ था, इवन हमारे साथ था। और उसे हमने छोड़ा, फिर छोड़ने के बाद एक नई चीज शुरू करी। मैंने इसकी ट्रेनिंग गांधी दर्शन दिल्ली से लिया था। इसी साल सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने इन तीनों भाइयों के काम की तारीफ करते हुए ट्वीट भी किया था, जिसके बाद ये तीनों लोगों की नजरों में अब आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण बन चुके हैं। इन तीनों भाइयों ने मिलकर अग्निकाश नाम की एक संस्था भी बनाई है। आज ये तीनों भाई आसपास के गांव के 50 से ज्यादा युवाओं और किसानों को भी इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप तो छुएं, तुरंत